हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे प्लैनेट के डायरेक्ट होने की। देखिए, कोई भी प्लैनेट अगर डायरेक्ट होता है, ये मीन्स है बकरी प्लैनेट, प्लैनेट में जान ली, जितना बकरी है प्लैनेट से, जितने भी आपके चार्ट में रेट्रोग्रेड है प्लैनेट, उतने ही पावरफुल। प्रारब्ध जरूर है ऐसे बंदे के, बट ऐसे नहीं है कि ऐसे लोगों ने तरक्की नहीं करी। ये मीन्स है, ये आपको हटानी पड़ेगी। और आप एस्ट्रोलॉजर्स नहीं हो, आप आम पब्लिक हो, तो मैं एग्जांपल अपनी दूंगी। मेरा धनु लगन है, लग्नेश वक्री है। तो वक्री प्लैनेट कभी उस बाउंड्री को पार करता है, जो उस रेस्ट्रिक्शंस को पार करके देख पाता है, जो अदर प्लैनेट्स नहीं कर पाते। इसीलिए भी मैं कभी भी कट पेस्ट वाली सिचुएशन नहीं रखती कि किसी ने बोला है तो मैं आगे ऐसे ही बोल दूँ। देखिए, 10 साल हो गए स्टडी करते हुए, लेकिन मैंने 10 साल में ये नहीं कहा कि हाँ मुझे आ गया है, इसके बाद स्टडी खत्म है, क्योंकि ये अथाह समुंदर है और इसकी एंडलेस स्टडी है। लेकिन वक्री प्लैनेट वो कर जाते हैं जो आप नहीं कर पाते, उस बाउंड्री को तोड़ कर अपने नॉर्म सेट करने। यानी एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ मैं ये नहीं देखूँ, सबको सुनती ज़रूर हूँ, लेकिन जब तक उसकी डेप्थ तक नहीं पहुंचती, जब तक उसका रिजल्ट नहीं देखती, मैं कभी कुछ भी एनालाइज नहीं करती। और अब एक रूल और है कि मैं एक बार ही एनालाइज करती हूँ, दोबारा एनालाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इंसान सच नहीं सुनने आया, अच्छा सुनने के लिए आया, तो वो क्या करेगा, एस्ट्रोलॉजर बदलता रहेगा। और कोई भी आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अगर जुड़ते हो, तो उसका पॉजिटिव एक ऑरा होता है, उसकी एनर्जी जाती है। आप लोगों के अभी तक मैंने 1800 से ऊपर ही चार्ट अपलोड करे हुए, जितना बोला उतना भी किसी ने कर लिया, तो रिजल्ट सामने से दिखेंगे। बात कर रहे थे बकरी प्लैनेट की, कि बकरी प्लैनेट कोई भी होगा, अब जैसे शनि की महादशा, शनि बकरी चल रहे हैं, तो मेरी 26 फरवरी से महादशा स्टार्ट हुई है। और बकरी प्लैनेट आपको टाइम देते हैं कि सिर्फ आपने स्टडी, जैसे मैंने ऑनलाइन ही स्टडी पढ़ी है, खाली मैं सर के कहने से उस चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ। अब मेरे को टाइम क्या दिया है शनि ने, उस बाउंड्री को तोड़कर तुम्हारा विजन क्या कहता है, जो तुम स्टडी कर रही हो, तुम्हारा विजन कहाँ तक है, कहाँ तक इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकती हो। 9 महीने का टाइम दे रहा हूँ, अपनी बाउंड्रीज खुद ढूंढो, खुद सेट करो। तो 28 तारीख को शनि डायरेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद गलती का कोई चांस नहीं है। उनका कहने का मतलब है उसके बाद गलती की कोई माँ भी नहीं, क्योंकि 8 महीने तक उन्होंने गलतियों को ठीक करने का टाइम दिया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का टाइम दिया। और सिर्फ इसलिए नहीं कि सुनो और इम्प्लीमेंट कर दो, नहीं, आप अपनी रिसर्च भी करो, क्योंकि ऊपरी क्षीरा नक्षत्र में है। तो मैं देखिए अपनी एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ, आप अपने चार्ट्स में ये चीज़ देखिए। कोई भी बकरी प्लैनेट है, इस समय मंगल बकरी चल रहा है, अगर आपकी मंगल की महादशा है, मंगल कहाँ भी चल रहा है बकरी, मीन राशि में, तो उसकी पावर्स क्या है, मीन राशि यानी गुरु के घर के आने की, दूसरों को हेल्प देने की, वाटर साइन, तो इमोशनली सपोर्ट देना, लेकिन अपनी ज्ञान से रिलेटेड, जैसे एजुकेशन है किसी की, उसके पीछे जो पेंडिंग उनके डिसीजन चल रहे हैं कि एग्ज़ाम देना है, पेपर क्रैक करना है, तो ये टाइम है उस चीज़ के लिए। जब तक प्लैनेट डायरेक्ट नहीं हो, तो वो आपको टाइम देता है कि आप लोग इस पर अपना एनालाइज करो, अपने पॉइंट व्यू से सोचो, ना कि किसी के कहने पर, कि किसी ने जैसा बोल दिया वैसी आप इम्प्लीमेंट करो। आप देखिए, सारे प्लैनेट बकरी होते, सिर्फ चार को छोड़ के राहु केतु बकरी चलते, नोट्स हैं, चंद्रमा बकरी कभी नहीं होते, सूर्य बकरी कभी नहीं होते। बाकी 5 प्लैनेट हैं जो बकरी होते हैं, 5 के 7 प्लैनेट हैं, 2 राहु केतु नोट हैं, तो वो जैसा जिसके साथ बैठते हैं उस तरह का बिहेव करते हैं। तो कभी भी प्लैनेट पीछे चलते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि आपको टाइम मिला है अभी रिसर्च करने का, अपनी चीज़ों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का। खाली किताबी कीड़ा नहीं बनना है कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, तो फिर परीक्षा किसकी है, शिव की, जिन्होंने लिखा है।
अगर मुझे सेम रिजल्ट नहीं मिलता तो आप देख लीजिए कि मैं उस चीज पे फिर बिलीव नहीं करती, वो चाहे लाल किताब बोले, चाहे बराशरी बोले, चाहे जैमिनी बोले, चाहे कोई भी बोले। मुझे किससे फर्क पड़ता है, उस रिजल्ट से कि शास्त्र में क्या लिखा है और आगे ऋषियों ने क्या बोला है, आगे एस्ट्रोलॉजर्स ने भी रिसर्च करके हमारे तक जो ज्ञान पहुंचा है उसमें कितनी सत्यता है, उसके बाद में जाकर बिलीव करती हूँ। और अगर वो पॉइंट इस पर स्टिक नहीं बैठता तो आप सोच ली मैं बिलीव नहीं करती हूँ, मैं उस चीज़ को छोड़ दूंगी बिलीव कर, फिर नई तरीके से जर्नी स्टार्ट होगी। तो वक्री प्लैनेट हमेशा आपको टाइम देते हैं, अभी गुरु भी वक्री थे, शनि भी वक्री थे, अभी मंगल वक्री चल रहे हैं, तो मार्स मेरा जहाँ बैठा होगा तो मैं वहाँ पर फोकस करूँगी, कहाँ पर बैठा है गुरु के घर में अगेन, तो मैं दोबारा से रिसर्च करूँगी जहाँ पर जैसे फिफ्थ लोड होके वो फोर्थ हाउस में है, तो बच्चों की एजुकेशन पर मैं दोबारा फोकस करूँगी कि कहीं मेरा गलत डिसीजन तो नहीं बच्चों की लाइन चूज करने में, बच्चों से दोबारा रिकाउंसलिंग करूँगी कि आप लोग क्या बनना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, क्योंकि माँ बाप देखिए फीस भर सकते हैं, पढ़ना उन्होंने खुद ही है, तो ऐसे करके आप लोग भी अपनी कुंडली में ये चीज़ देखिए, एनालाइज कीजिए। अगर कोई भी प्लेनेट वक्री है, अगर आपकी महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, और जैसे इस समय मंगल वक्री है, शनि वक्री है, तो वो किस भाव से बिलोंग करते हैं, वहाँ का काट तत्व कौन है, तो आपको क्या कह रहे हैं, इस समय आपके पास पूरा फोर्स है, पूरा पावर है उन चीज़ों को करेक्ट करने का, यही है वक्री प्लेनेट। तो अगली बार मिलते हैं अच्छी बात के साथ, इसी तरह आप लोग अपना भी ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरह आप लोग इस समय जो भी वायरस की सिचुएशन है उससे बचे रहें, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं वैसे कहें, मुझे बार बार एक चीज़ को रिपीट नहीं करना आता, लेकिन देखिए मैंने बोला था कि 12 फरवरी के बाद ही दवाई आएगी, बातें चलनी जरूर शुरू हुई, लेकिन आप देख लो वापस से मंगल बकरी हुआ तो वापस से रिसर्च शुरू हो गई, तो कोई देश अभी दवाई नहीं निकाल पाया कि 12 फरवरी के बाद इस पर दवाई निकल आएगी, लेकिन तब तक सेफ बने रहिए, जैसे डॉक्टर कहते हैं वैसा करिए। अगली बार मिलते हैं अच्छी बात के साथ।